बच्चों, मैं हूं अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है पारदर्शी बेटी। रतनलाल एक गांव के मुखिया थे। बात के धनी, वचन के पक्के, अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए वे सबके प्रिय थे। उम्र यही कोई 60-65 साल की रही होगी, मगर चेहरा तेजस्वी और रौबदार था। चाल इतनी तेज कि अच्छे अच्छे नौजवान पीछे रह गए। उन्हें एक चीज बहुत प्रिय थी, कांच की एक पारदर्शी पेटी जिसके आर पार सब नजर आता था। देखने में तो वह पेटी खाली लगती, लेकिन खोलने पर उसमें से मनचाही वस्तु निकाली जा सकती थी। रतनलाल को किसी वस्तु की जरूरत नहीं थी, वे पेटी को बहुत संभाल कर रखते थे। हाँ, मुखिया होने के नाते गांव वालों की जरूरतें पूरी करने के लिए उसमें से कभी कभी कुछ निकाल लेते थे। एक दिन रतनलाल को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। वे अपने मुनीम को पेटी सौंपते हुए बोले, देखिए मुनीम जी, यह पेटी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसे संभाल कर रखिएगा। मुनीम जी ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि वे उनकी पेटी को बहुत संभाल के रखेंगे। इसके बाद रतनलाल चले गए। उसी गांव में तीन लड़के बहुत दिनों से रतनलाल जी की इस पेटी को देख देख कर उसे गायब करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। बस उन्होंने रतनलाल जी को जाते हुए जैसे ही देखा तो उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने बहुत चतुराई से वो वाली जो पेटी थी वो चुरा ली। घर जाकर उन्होंने पेटी को खोला और अपनी इच्छा से मनचाही चीजें निकालते रहे। एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते। पेटी में से सामान निकालते निकालते जब वे थक गए तो एक युवक ने अपने मित्रों से कहा, बस भाई बहुत हो गया, मैं तो थक कर चूर हो गया हूं। दूसरा बोला, हाँ भाई मैं भी बहुत थक गया हूं। तीसरा बोला, मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं तो अब खा पी कर आराम करूंगा। तीनों ने फैसला किया कि वे जी भर कर खाना खाएंगे, फिर चादर तान कर सो जाएंगे। इधर मुनीम जी की नींद उड़ चुकी थी। मुखिया जी कितने भरोसे से पारदर्शी पेटी सौंप कर गए थे। जब वे वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, इसी चिंता में वो चहल कदमी कर रहे थे। उनकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई थी। इधर तीनों लड़के घोड़े बेचकर सो गए। थोड़ी देर बाद उनमें से जो तीसरा लड़का था वो धीरे से उठा और पेटी खोलकर सोना चांदी निकालने लगा। उसने सोचा, अच्छा है ये दोनों सोते रहें, मैं इनसे ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। वह सामान निकालते निकालते थक कर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जो दूसरा लड़का था वह भी उठा और वह भी ज्यादा धन पाने की लालच में पेटी से सोना चांदी निकालने लगा। जब वह भी थक कर जमीन पर गिर पड़ा तो फिर जो पहले नंबर का लड़का था उसने भी यही काम किया। तीनों लड़के थक कर बेहोश हो चुके थे, परंतु उनको इतनी लालच अभी भी थी कि इससे मैं सोना चांदी निकाल लूं और धनवान बन जाऊं। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ ना था, न पेटी और न सोना चांदी। उन्होंने पूरा घर छान मारा लेकिन कुछ हाथ ना आया। एक दूसरे से पूछने लगे, कहीं तुमने तो सामान नहीं चुराया, साफ साफ बता दो वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन तीनों इस बात से इनकार करते रहे। थोड़ी देर बाद वो झगड़ा करने लगे।
फिर उनमें थोड़ी में देर बाद मारपीट भी होने लगी। लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इतने में रतनलाल वहां पहुंच गए। वे घर लौट आए थे। वे सारा मामला तुरंत समझ गए। उन्होंने उन लड़कों से पूछा, क्या तुम लोगों ने उस पेटी में वापस भी कुछ रखा था या सिर्फ निकालते रहे थे? नहीं नहीं तो भला वापस क्यों रखते? तीनों लड़के एक साथ बोले। बस यही तुम लोगों से गलती हो गई। मैं जब भी पारदर्शी पेटी में से कुछ निकालता था तो उसमें कुछ ना कुछ डालता जरूर था। तीनों लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुखिया जी आगे बोले, जब आदमी सिर्फ लेना ही लेना सीखता है, बदले में कुछ देना नहीं जानता, तो वह स्वार्थी हो जाता है। हमने पेटी से लिया तो बहुत कुछ, लेकिन दिया कुछ भी नहीं, इसीलिए सब कुछ खत्म हो गया। सभी गांववासी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने बड़ी गहराई से अपने मुखिया की बात समझ ली थी। इस पृथ्वी से भी हमने बहुत कुछ लिया है, शुद्ध हवा, पानी, अनाज और पेड़ पौधे, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं दिया। जो लिया उसको भी धीरे धीरे हम नष्ट कर रहे हैं। अगर हमने इस पृथ्वी को जतन से संभाल कर नहीं रखा तो कहीं ऐसा ना हो कि इन लड़कों की तरह हमारा भी यही हाल हो जाए, मुखिया रतनलाल ने समझाते हुए कहा। गांव वालों को अच्छी तरह समझ आ गया था कि हमें हमेशा सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखना चाहिए, है ना बच्चों?